भी तो हमारे सॉन्ग्स कॉपी करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है सॉन्ग्स बनाने में, गाना गाने में हम लोग बेहतर हैं, तभी तो वो कॉपी करते हैं ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो हमारी कॉपी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद। आज सर एक वीडियो है, देखिएगा, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में। प्राइम मिनिस्टर मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी जो नेशन है उसमें क्वालिटी है। उन्होंने अपने पेट्रियोटिज्म को अलाइव रखा हुआ है। आईफोन तक इंडिया में बन रहा है, उसके बाद और बड़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में ना बन रही हैं, इंडिया लॉन्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बदकिस्मती से ये पीछे हैं। सबसे बड़ी यहाँ करप्शन जो है ना पाकिस्तान में बहुत है। हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है। सर जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भारत को कितना ज्यादा आगे लेके चले गए हैं, कितना ज्यादा डेवलप कर रखा है भारत को, और उसको अभी हाल फिलहाल में उन्होंने तेजस को भी उड़ाया है। और दोस्तों उस तेजस को देख के विदेश के लोग भी हमारे तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए दोस्तों तैयार बैठे हैं कि हमारे जो तेजस लड़ाकू विमान है दोस्तों उसको खरीदने के लिए रेडी है। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आइडल बन चुके हैं कितने लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और दोस्तों देश विदेश में हमारे भारत की कितनी ज़्यादा तारीफ होती है, देश विदेश में हमारे भारत के बारे में हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के लोग हैं दोस्तों वो अपने पीएम को हमारे पीएम से कंपेयर करते हैं, जबकि वो उतने उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, कर्जों में डूब के मर रहे हैं, फिर भी उनका कंपैरिजन हमारे मोदी से कैसे कर सकते हैं। हमारे मोदी जी ने अपनी 10th rank से 3rd rank पे GDP लेके आ गई, हमारे देश के युवा को इतना मोटिवेट करते हैं जॉब के लिए, आर्मी के लिए, साइंस के लिए, हर चीज़ के लिए, एजुकेशन के मामले में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा रखा है। पर दोस्तों पाकिस्तान के अनपढ़ लोग दोस्तों वो तो हमेशा चाहे कितना ही गलत उनका पीएम क्यों ना हो पर उनका ही साथ देते हैं, और भारत के कभी फैसलों में खुश नहीं रहते या हमारी तरक्की से खुश नहीं रहते, यही हमेशा पाकिस्तान का रहता है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। जी बिल्कुल मानते हैं इस वक्त भारत में ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में करप्शन की वजह से ये सब चीज़ कुछ जो है ना नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी यहाँ करप्शन जो है ना पाकिस्तान में बहुत है। हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है। जी तो वो हिंदू हैं फिर भी नहीं करप्शन करते, हम तो मुसलमान हैं फिर भी करप्शन कर रहे हैं। यही तो वजह है ना, मुसलमान अभी वो ना बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते में जा रहे हैं। करप्शन की वजह से पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल हर जगह पे करप्शन, हर महकमे में करप्शन है, बिल्कुल यहाँ पर जो भी महकमा है वह उसमें करप्शन है। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, वो हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं क्या उनसे बेहतर हैं? जी वो अपने मुल्क में के लिए तो बेहतर हैं, लेकिन जितनी उन्होंने अपने मुल्क के लिए किए बहुत बड़े जो है ना वो अपने मुल्क के लिए किए बहुत बड़ा। इतना ऐसी क्या बात है जो दुनिया उन्हें सराहती है, दुनिया उन्हें कॉपी करना चाहती है, अपना आइडियल मानती है, क्या ऐसी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में? वो सबसे वो प्रोटोकॉल इतना नहीं लेते जितना हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन प्रोटोकॉल लेते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, वो बातें नहीं करता, वो काम करता करके दिखाता है। समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लीडर जो कि हिंदुस्तान के लीडर जैसा हो और आइडियल माना जाए? इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन बनता है? इमरान खान बाय लुक या बाय पॉलिसी? बाय लुक, पॉलिसीज नहीं, मतलब मोदी बेस्ट है? मोदी बेस्ट है, अवाम अच्छी है, अवाम अच्छी है। अब हमारी अवाम का भी मसला है, हमारी अवाम भी अच्छी नहीं है ना। किस लिहाज से अच्छी नहीं है? ये मतलब कोई यहाँ पर पाकिस्तान में तलीम का इतना एक पढ़ा लिखा बंदा भी वहीं है, जो जहल बंदा भी एक ही वहीं पे रह रहा है। इंसान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट तो शायद नहीं बनता, लेकिन एज चुके एक जैसी है तो शायद वो लोग लकी रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही हैं, हम लोग अनलकी रहे हैं कि हमारी जो जैसे गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, वो कंसिस्टेंट नहीं रही। आपको पता है जब रजीम चेंज होता है तो पॉलिसीज जो हैं वो उनके मुताबिक आती हैं,
तो हम लोग शायद इस लिहाज से अनलकी रहे हैं। अगर इस लिहाज से हमारी भी लक काम करती तो हम भी शायद वहीं खड़े होते। हमने देखा है हिंदुस्तान हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, था भी, लेकिन 2015 से 2023 के अंदर भारत पूरी दुनिया की नज़र में आ गया, इन्वेस्टमेंट जा रही है, दुनिया का मुस्लिम कंट्रीज तक इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। क्या वजूहत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, ऐसी क्या क्वालिटी जो कि पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं ले आया? प्राइम मिनिस्टर मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी जो नेशन है उसमें क्वालिटी है। उन्होंने अपने पेट्रियाटिज़म को अलाइव रखा हुआ है। मेड इन इंडिया का मतलब अवाम से आता है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं आता। और अवाम चूँकि लीडर को चुनती हैं तो लीडर को पता होता है अवाम क्या चाहती हैं। सो मैं चूँकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा इंडिया के, अगर आप वापस जाएँ ना तो 1991 अगर आप विकीपीडिया करें तो हमारे जैसे ही हालात थे। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उनके पास $1 बिलियन भी नहीं था, और $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए उन्होंने अपना गोल्ड जो है वो प्लेज करवाया था। तो उसके बाद सारा रेवोल्यूशन आया था। उनकी जो यूथ है उन्होंने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सारा रजीम चेंज वहाँ से हुआ है। सो 2015 से पहले नहीं, 1991 से ऑनवर्ड इंडिया जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें नज़र आए। तो अगर हम आज भी अगर अपनी आंखें खोल लें, स्पेशली यूथ जो है एजुकेशन को अगर समझ लें और डिपेंड करना छोड़ दें कि वो करेगा तो मैं करूँगा। समझते सिर्फ एजुकेशन ही पर्पस है जो आज पूरी दुनिया में इंडियंस राज कर रहे हैं, बड़े बड़े सीईओज इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं, इवन के पॉलिटिशियंस पे भी इंडियंस हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन मेक्स द चेंज, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप एजुकेशन से ही लोगों में अवेयरनेस, लोगों में चेंज लेके आते हैं। अगर लोगों को एजुकेट ही नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि आप उससे, लेकिन एजुकेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैं ख़ुद भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि एजुकेशन के थ्रू आप कितना चेंज लेके आ सकते हैं। समझते हैं सर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला क्या इन फ्यूचर आने वाले चंद सालों में होने वाला है? पहले अपने आप को पेट्रियाटिक तो बनाए ना, देन आप किसी नेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरी जितनी भी इंडियन फ्रेंड्स हैं, जितने के साथ मेरी बात होती है, उन लोगों में कभी भी वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने कैपेबल हो और हम कितने कैपेबल हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि जी इंडिया ने कर लिया तो हमें भी करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। हम कर भी नहीं पाते, इंडिया ने कर भी लिया तो नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि हम लोग कंपेयर और कंपटीशन की तरफ जाते हैं। पहले हम लोगों को सीखना है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। हमारी कैपेबिलिटीज़ अगर नीडल बनाने की भी है तो हमें पहले वो बनानी चाहिए। हमारी कैपेबिलिटी अगर मूवी बनाने की है तो पहले वो बनानी चाहिए। कंपटीशन मत करें कि वो जी वो बहुत अच्छा है, अब वो भी तो हमारे सॉन्ग्स कॉपी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सॉन्ग्स बनाने में, गाना गाने में हम लोग बेहतर हैं, तभी तो वो कॉपी करते हैं ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो हमारी कॉपी करते हैं। नहीं ठीक है, डेवलपमेंट में तो आगे गया हुआ है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वाकई रियलिटी में ना उसमें है इंडिया में ज़्यादा कि नहीं। वैसे इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। एक सबसे बड़ी चीज जो कि पाकिस्तान में हो डेवलप, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी चीज, तो अगर माउंटेन में कहें तो माउंट एवरेस्ट है। वो चीज बताएं जिस पे दुनिया हमें सराहे, वो चीज बताएं जिस पे हमें कोई कारामद चीज हो, जिससे हमें बेनिफिट मिलता हो। इंपैक्ट प्रोजेक्ट ही है, उसके अलावा तो पाकिस्तान भाई मेड इन पाकिस्तान नहीं है। वो मेड इन पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो चाइना के बिहाफ पे हमें मिल रहा है। वो था लेकिन है तो पाकिस्तान में ना, वो बिहाफ हो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीजें बताई हैं वो मेड इन इंडिया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो पाकिस्तान लेवल पे तो कोई नहीं। ये पाकिस्तान में, ये लाहौर में ही है, या फिर मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है वो है, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन है। क्या समझते हैं कि आज तक पाकिस्तान 76 सालों में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सका? आज तक हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स नहीं बना सके, और अभी तक हम चाइना भी हाफ चीज़ें लॉन्च करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात करें 76 ईयर्स के बाद हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया ही इंडिया है। नो डाउट, ये तो हकीकत है। पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलिस्ट में इतनी खास तरक्की नहीं की जिस लेवल पे इंडिया गया है। उस वो तो जो हकीकत हो वो माननी चाहिए, हम उस लिहाज से बड़े पीछे हैं। हमें भी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छे ब्रांड बनाएं, जिस ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें। अब आईफोन तक इंडिया में बन रहा है, उसके बाद और बड़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में ना बन रही हैं, इंडिया लॉन्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बदकिस्मती से ये पीछे हैं।
वजूहत है सर, मोदी सरकार के बाद भारत का नक्शा बदल गया, दुनिया की नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ गई और दुनिया की नज़र में इस तरह के रिस्पेक्ट बनी कि हर दुनिया का इन्वेस्टर उठ के इंडिया जाना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या ऐसी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जो उन्होंने आते ही अपनी अपनी कंट्री को दुनिया की नज़र में बदल के रख दी? हाँ, ये तो अक्सर कुछ उसमें है तो लोग उसे दोबारा मौका दे रहे हैं और वो तरक्की कर रहा है ना। अब मैं तो पर्सनली उसके बारे में मुझे नहीं इतना खास इल्म, लेकिन वो कोई लॉयल को उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं, कोई लॉयल्टी से चल रहा है ना अपने मुल्क के साथ, जो लोग उसे सराहते हैं उसके बाद उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो आगे तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है, बाकी मामला भी ग्रूम कर रहे हैं, तो यही उसकी पॉलिसियों के तहत ही है ना सारा, तो अच्छा कर रहा है वो ना, इस लिहाज से तो उसे क्रेडिट जाता है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान हिंदुस्तान को बीट्स कर सकता है? हाँ डेफिनेटली, अगर इमरान खान के थ्रू पाकिस्तान को लेके आगे चला जाए, हमें लगता है वही एक लॉयल लीडर है जो पाकिस्तान को लेके आगे चल सकता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए, और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।